नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये रुदौली स्टेशन है और आज की वीडियो में बात करेंगे जो बाराबंकी जंक्शन से अयोध्या जंक्शन के बीच दोहरीकरण का कार्य चल रहा है और साथ ही साथ रेल विद्युतीकरण का, उसमें क्या प्रोग्रेस हो रही है, कहां पर क्या कार्य चल रहा है। तो रुदौली स्टेशन पर एक नज़र आज देखेंगे, यहाँ पर क्या कार्य हो रहे हैं, क्योंकि कार्यों में तेज़ी आ रही है धीरे धीरे। ये देखिए, योग नगरी ऋषिकेश से हावड़ा जाने वाली दून एक्सप्रेस फिलहाल आ गई है। लखनऊ की दिशा से ये ट्रेन आ रही है बाराबंकी जंक्शन से और इधर अयोध्या की दिशा में अब जाएगी। इसका अराइवल हो रहा है रुदौली स्टेशन पर। जो प्लेटफॉर्म्स हैं दोनों ही तरफ, उनको तोड़ा जाएगा, प्लेटफॉर्म्स पीछे शिफ्ट होंगे। और अभी यहाँ पर एक मेन रन थ्रू लाइन है, एक लूप लाइन है, वो यहाँ पर, ये तमाम सारी स्पेस आप यहाँ पर देख रहे हैं खाली पड़ी है, जो इधर ट्रैक आएगा, क्योंकि यहाँ पर आगे ये ट्रैक जहाँ पर नया डाला जाएगा लूप लाइन, क्योंकि दो रन थ्रू लाइन हो जाएंगी। यहाँ पर प्लेटफॉर्म जो है आगे जा कर के एक ठोकर जैसी आती है, उसके बाद फिर प्लेटफॉर्म शुरू होता है, तो बीच में ये गैप ऐसा है जिसमें कि लूप लाइन डाली जाएगी और प्लेटफॉर्म्स और पीछे शिफ्ट होंगे। पैदल पुल भी पीछे शिफ्ट होगा, नया पैदल पुल बनेगा यहाँ पर। पुराना वाला जो अभी पैदल पुल है, जो अभी वीडियो में हम आपको आगे दिखाएंगे, उसको डिसमेंटल किया जाएगा, उसको तोड़ा जाएगा। यहाँ पर नया फुट ओवर ब्रिज बनेगा। बिल्डिंग स्टेशन की नई बन रही है बाहर की तरफ से, निर्माण उसका भी बहुत तेज़ी से चल रहा है और कार्यों में तेज़ी आ गई। और फिलहाल जो सिंगल लाइन है इसको इलेक्ट्रिफाई पहले किया जाएगा। अयोध्या जंक्शन की दिशा से ये कार्य होता हुआ आ रहा है, बाराबंकी जंक्शन साइड से भी पोल्स ओएचई मास्ट आपको पूर्व में जब मैंने वीडियो किया था रसौली स्टेशन का, जो बाराबंकी जंक्शन से जब आप अयोध्या की तरफ चलते हैं तो पहला स्टेशन लगभग 6 किलोमीटर बाद पड़ता है रसौली। उसके बाद फिर आगे जब आप बढ़ते हैं तो सफदरगंज स्टेशन आता है जो मुख्य स्टेशन है, फिर दरियाबाद आता है और फिर उसके बाद आगे जब आएंगे तो रुदौली आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रुदौली स्टेशन में किस प्रकार से जो कार्य हैं तेज़ी से चल रहे हैं, लेबर आ गई है। और सामने जो छोटा वाला पैदल पुल अभी आप देख रहे हैं, ये टूटेगा, इसकी जगह नया फुट ओवर ब्रिज बनाया जाएगा, जो कि पीछे से बनाया जाएगा, जिसकी कि फाउंडेशंस वगैरह का काम जो है आजकल बेस बनाने का चल रहा है। और सारा स्ट्रक्चर जो यहाँ का है आगे का, जेसीबी मशीन से ये तोड़ा जाएगा, जैसे सीतापुर रोजा में दोहरीकरण में हुआ, सारी बिल्डिंग्स नई बनाई गई नए सिरे से, क्योंकि पैनल रूम वगैरह अभी सिंगल लाइन के हिसाब से, फिर डबल लाइन के हिसाब से बन जाएगा। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, आपको हमने दूसरे छोर से व्यू दिखाया जब दून एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन यहाँ पर आई। ये प्लेटफॉर्म आप जो घास देख रहे हैं आगे, प्लेटफॉर्म यहाँ पर आगे तक है और पीछे की दिशा में आप देखेंगे तो प्लेटफॉर्म दब जाता है लेफ्ट हैंड पर, पीछे हो जाता है, हरियाली काफ़ी है। तो ये जो पूरा घास का पैच आप यहाँ से देख रहे हैं आगे तक, ये पूरा फिर ट्रैक डालने के काम में आएगी ये जो स्पेस है, और जेसीबी मशीन से ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ का ये तोड़ा जाएगा, सारा शिफ्टिंग होगी, प्लेटफॉर्म भी जो है वो पीछे खिसकेगा, शिफ्ट होगा। और अभी हम आगे से आपको दिखाते हैं किस प्रकार से कार्य चल रहा है, आगे रेलबेड बनाने का भी कार्य चल रहा है। और बाराबंकी जंक्शन से रोज़ा गांव तक तकरीबन 90% जो कार्य है इलेक्ट्रिफिकेशन में, उसमें ओएचई मास्ट डालने का कार्य वो हो चुका है और मास्ट को इरेक्ट भी कर लिया गया है बहुत दूर तक, जैसा जानकारी बता रहे थे हमें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से फाउंडेशन तैयार की जा रही है, जो नया पैदल पुल आएगा, ब्रिज आएगा, अब सब पीछे खिसकेगा और ये सारा टूटेगा सारा कुछ, क्योंकि यहाँ पर 4 ट्रैक्स टोटल पड़ेंगे, फिर अप और डाउन लाइन, 2 रन थ्रू लाइन होंगी और दो तरफ प्लेटफॉर्म पर एक एक लूप लाइन हो जाएगी। और सामने आप देख सकते हैं किस प्रकार से ट्रैक्टर ट्रॉली भी जा रही है, क्योंकि रुदौली से आगे की दिशा में भी, अयोध्या जंक्शन की दिशा में भी कार्य चल रहा है, बाराबंकी जंक्शन की दिशा में भी कार्य चल रहा है, तो कार्य में अब तेज़ी आ गई है। जैसे जैसे अयोध्या में मंदिर निर्माण भी तेज़ गति पकड़ रहा है, और ये रेलखंड आने वाले समय में, मैंने पूर्व में भी कहा था कि बिल्कुल VIP रेलखंड होने वाला है, इस पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ियों का संचालन होगा इस ट्रैक पर, और बल्कि हो सकता है भविष्य में स्पीड बढ़ जाए, 150 तक हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट में आएगा। अयोध्या में जिस प्रकार से ढेर सारे टूरिस्ट भविष्य में आएंगे, तो बहुत अच्छी अच्छी प्रीमियम ट्रेन्स बरसता अयोध्या जंक्शन होकर के जाएंगी, वहाँ पर भी बिल्डिंग का जो निर्माण हो रहा है बहुत ही ग्रैंड बिल्डिंग बन रही है। तो इस सेक्शन पर आप राजधानी हो, वंदे भारत हो, तेजस जैसी ट्रेन्स हो, आप समझिए कि बहुत अच्छी अच्छी ट्रेन्स आपको
भविष्य में इस रूट पर मिलेंगी, जो अब तक का लखनऊ से वाराणसी जाने में सबसे पिटा हुआ रूट माना जाता था। पीछे फ़िलहाल आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन, और ब्रिटिश टाइम का ट्रैक है ये, बहुत पुराना। फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन में तेज़ी आ गई है, और जैसा भी अपडेट होगा हम आपको आगे देंगे।